हेलो व्यूअर्स, टैली में आज हमारा तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू मेंटेन मल्टीपल कंपनीज इन टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 में हम मोर देन वन कंपनीज को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह हम उसको मेंटेन करते हैं, मतलब एट द सेम टाइम अगर हम मोर देन वन कंपनी में काम करना चाहें तो वो हम किस तरह टैली ईआरपी 9 में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं टैली ईआरपी 9 से। सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से किसी भी कंपनी में काम किया हो तो आपसे टैली सॉफ्टवेयर पासवर्ड मांगेगा, वो है टैली वॉल्ट पासवर्ड। अगर आपने क्रिएट किया हो तो आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, टैली वॉल्ट पासवर्ड जब आप एंटर करेंगे तो यहां से आपके पास नेम आएगा कि जिस नाम से आपने, जिस यूज़र के नाम से आपने कंपनी बनाई है वो आप यहाँ से एंटर कर लें। ठीक है, तो टैली का जो मेन गेटवे है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन गेटवे आपके सामने शो हो रहा है। इसके अलावा जो कंपनी पहले से आपने क्रिएट की हुई है वो है ताहिर आलम मोबाइल जोन एंड कंपनी वगैरह, इस तरह मतलब आपने एक कंपनी क्रिएट की हुई है। ठीक है, अगर मैं मोर देन वन कंपनी को क्रिएट करना चाहूँ, अगर मोर देन वन कंपनी में मैं काम करना चाहूँ तो वो किस तरह करूँगा, इसके लिए आपने सबसे पहले इस तरह करना होगा कि यहाँ पर इस कंपनी को आपने क्वाइट करना होगा या शट करना होगा। तो यहाँ पर राइट साइड पे आप कंट्रोल देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा शट कंपनी भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर मुझे गेटवे ऑफ टैली जो शो हो रहा है यहाँ पर कंपनी इन्फो शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टैब्स अवेलेबल है, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, मतलब डिफरेंट ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं किसी दूसरी कंपनी को क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ आसानी के साथ। यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे आप डबल क्लिक कर लें या सिंगल क्लिक कर लें। तो अगर आप न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहें, दूसरी कंपनी अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप डबल क्लिक कर लें तो आपके सामने जो विंडो अपेयर होगी, मतलब जहाँ से आप दूसरी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं, दूसरी कंपनी किस तरह क्रिएट करेंगे, उसको हम किस तरह मेंटेन करेंगे, तो चलो स्टार्ट लेते हैं कंपनी क्रिएशन से। ठीक है, जिसका मतलब मेन लेआउट है वो आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने एक दूसरी कंपनी भी क्रिएट की हुई है, किस नाम से, असद मोबाइल जोन। एक और कंपनी हमने क्रिएट की हुई है असद मोबाइल जोन नाम से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एट द सेम टाइम यू कैन व्यू टू कंपनी सेटअप, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2। ठीक है, तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी है यहाँ पर सिलेक्टेड है, जिसमें सेलेक्ट ये शो हो रहा है कि नो वाउचर एंटर्ड, तो इस कंपनी में आप अभी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा कंपनी सेलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये वाली कंपनी सेलेक्ट करना चाहें, तो ये कंपनी भी आप एट द सेम टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में अगर आप काम करना चाहें, ठीक है, तो इसके बटन पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप अकाउंट इन्फो देखना चाहते हैं या इन्वेंट्री इन्फो अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब उसको अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन से आप अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर ये भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेटा को इम्पोर्ट करना चाहें तो यहाँ से डेटा को आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, इसके रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप एट द सेम टाइम मोर देन वन कंपनीज को आप मेंटेन कर सकते हैं टैली में। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये है
कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करना चाहता हूँ, इस टेली के जो मेन गेटवे है इसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ और इसको मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी ओपन होगी, इसको मैं किस तरह मतलब ख़त्म करूँगा। इट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट कंपनी को मैं नहीं लेना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनीज को मैं ले लूँ, उसको ओपन कर लूँ, उसमें मैं रिकॉर्ड को मेंटेन कर लूँ, या इसमें अगर मतलब मजीद ट्रांजेक्शन करना चाहूँ तो उसमें मैं आसानी के साथ कर लूँ, ठीक है। तो मैं किस तरह करूँगा ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह कर ले, यहाँ से क्वाइट पे डबल क्लिक कर ले और ये इस बटन आप प्रेस कर ले, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो टेली सॉफ्टवेयर था वो क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहता हूँ, डबल क्लिक कर ले इस पर। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो मजीद ये आपसे मतलब टेली वॉल्ट पासवर्ड मांगता है, ठीक है। अगर आप टेली वॉल्ट पासवर्ड यहाँ से अगर आप मतलब दे दें तो आपके सामने टेली का जो मेन गेटवे है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी में से आपने चार कंपनीज आपने क्रिएट किए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो रिसेंटली मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है वो असद मोबाइल जोन के नाम से है, तो अगर आप ये ओपन करना चाहें तो ये भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीन कंपनी भी आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी जो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सी है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ओपन हो रहा है, इसको हम किस तरह ख़त्म करेंगे। यहाँ से आप 1, 2, 3, 4 इस तरह जो पासवर्ड होगा आपने एंटर किया होगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तायर आलम मोबाइल जोन वाली कंपनी ओपन हो रही है, ठीक है। इसको मैं किस तरह ख़त्म करूँगा, इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह करना होगा कि सी फोल्डर में आना होगा, ठीक है। सी फोल्डर में आपके पास टेली के नाम से एक फोल्डर होगा, उस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे से अच्छा, यहाँ पर एक फोल्डर है टेली के नाम से जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जहाँ से आप अपनी कंपनीज की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह करेंगे, इस पर आप डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा डिफ़ॉल्ट कंपनीज येस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंपनीज येस का मतलब ये है कि अगर आपके पास टेली में बाई डिफ़ॉल्ट कोई कंपनी वो लोड होती है तो वो होगी 10,000 वाली कंपनीज, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आप नो कर ले तो फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट वाली कंपनीज ओपन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव कर ले, फाइल सेव, फिर इसको आप यहाँ से क्लोज कर ले और इसको मिनिमाइज़ कर ले, फिर टेली सॉफ्टवेयर को आप दोबारा ओपन कर ले, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी डिफ़ॉल्ट कंपनी ओपन नहीं हुई, ठीक है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी किसी दूसरी कंपनी को रखना चाहते हैं तो वो किस तरह ओपन करेंगे, इसको आप क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद अगेन आप इस तरह कर ले कि जो फाइल आपने यहाँ से सेव किया था सी फोल्डर में टेली के नाम से एक फाइल था जहाँ पर टेली डिफ़ॉल्ट कंपनीज नो था, इसको अगर आप येस कर लें और फिर यहाँ से आप इस तरह कर ले कि 10,003 वाली कंपनीज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो, लोड हो, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल पर आप आ जाएं, यहाँ से आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद अगेन इसको आप मिनिमाइज़ कर ले, टेली सॉफ्टवेयर को आप दोबारा ओपन कर लें। तो दोबारा ओपन करने के बाद असद मोबाइल जोन वाला जो कंपनी हमने अभी क्रिएट किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ से मतलब आप आसानी के साथ मोर देन वन कंपनीज़ को आप मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कंपनीज़ के डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस कंपनी को आपने डिफ़ॉल्ट बनाना है उसको आप डिफ़ॉल्ट बना लें। अगर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जस्ट येस की जगह आप नो सेलेक्ट कर ले, वहाँ से नो टाइप कर ले, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास कि किस तरह हम मोर देन वन कंपनीज़ को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मोर देन वन कंपनीज़ पे एट द सेम टाइम हम काम कर सकते हैं टेली में, तो वो इस तरह करते हैं। व्यूअर ये था आज का क्लास, आज इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। इस क्लास में हमने सीख लिया कि किस तरह हम टेली में मोर देन वन कंपनीज़ को मेंटेन करते हैं, किस तरह हम मोर देन वन कंपनी पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा हम टेली में किस तरह डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ख़त्म कर सकते हैं या किस तरह डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने सीख लिया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अकाउंट से स्टार्ट लेंगे कि किस तरह हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री हम किस तरह क्रिएट करेंगे, इसके अलावा ट्रांजेक्शन हैं अकाउंटिंग वाउचर में हम किस तरह ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं या इन्वेंट्री वाउचर में हम किस तरह ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, तो स्टेप बाई स्टेप हम इस तरह टेली सीखेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपने इस
चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ जाए ठीक है तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और मज़ीद वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर ले, मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।